सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि क्लास टेंथ के वीडियो को बनाने के लिए बात चल रही है, आप लोगों की ऑनलाइन क्लासें चालू हैं और SGS स्कूल सारे बच्चों के स्वास्थ्य की कामना करता है और सभी बच्चों से अपील करता है कि आप घर पे रहें और सारे टीचर्स आपको पर डे जितनी भी क्लासें हैं वो ऑनलाइन क्लासें आपको घर पर बैठ कर ही प्रदान कर दी जाएंगी। तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी आशा के साथ आज आप केमिस्ट्री जो है क्लास टेंथ के लिए अकबर सर के साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर अपना स्टार्ट जो कर रहे हैं वो हमारा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बात आ रही है, चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल क्षार एवं लवण। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सबसे पहले बेटा यहाँ पर एक बात सुनिए और सोचिए कि हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहे हैं अम्ल के बारे में। किसके बारे में? अम्ल के बारे में। सारे बच्चे यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान देना, समझना इस बात को, हम यहाँ पे अम्ल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए जैसा कि अम्ल के बारे में ये जाना जाता है कि अम्ल शब्द जो है, अम्ल का शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा के? अम्ल का शब्द जो है वह लैटिन भाषा के एसर शब्द से आया है। किससे आया है? एसर से। अम्ल जो शब्द है यह शब्द लैटिन भाषा के एसर शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है खट्टे से। इससे होता है खट्टे से। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि विशेष तौर पे हमें यहाँ पे याद रखना है कि अम्ल जो होते हैं, जो अगर शब्द के आधार पे हम परिभाषा बताएं तो शब्द के आधार पे दैनिक जीवन की एक परिभाषा निकल के आती है हमारे दिमाग में और सही परिभाषा भी है। प्रारंभिक स्थितियों में इस परिभाषा को ही यही माना जाता था। अम्ल किन्हें कहते हैं? तो आप परिभाषा ऐसे बना सकते हैं बेटा कि अम्ल क्या है। तो अम्ल लैटिन भाषा के एसर शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ किससे होता है? खट्टे से होता है। याद रखना है अम्ल क्या है। अम्ल लैटिन भाषा के ऐसा शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टे पदार्थ से होता है। अर्थात अगर हम इसकी दैनिक जीवन से परिभाषा या आम बोलचाल की अगर परिभाषा को बनाएं, सबसे पहली परिभाषा के बारे में बनाएं कि यहाँ पे आता है अम्ल किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा बना सकते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनको हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो विशेष तौर पे हमें यहाँ पे याद रखना है अम्ल क्या है। वे पदार्थ जो प्रमुख रूप से स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। पाए जाने वाले इन पदार्थों को हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। देखिए ये परिभाषा तो एक आम बोलचाल की परिभाषा है, लेकिन कई बार परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आधुनिक परिभाषा के आधार पर अम्ल को प्रदर्शित करने का या उसको व्याख्या देने का कार्य करिए। क्वेश्चन दिया जाएगा आधुनिक परिभाषा, अम्ल की आधुनिक परिभाषा को प्रस्तुत कीजिए। तो ये जब परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं बेटा, तो आप विशेष तौर पर याद रखना अम्ल की आधुनिक परिभाषा। अभी देखिए मैं जो परिभाषा लिख रहा हूँ, ये परिभाषा प्रमुख रूप से आपकी आधुनिक परिभाषा है। कौन सी परिभाषा है? आधुनिक परिभाषा। तो हमें यहाँ पे देखना है, विशेष तौर पर याद रखिएगा, आधुनिक परिभाषा के आधार पर क्या कहा जाता है। तो आधुनिक परिभाषा के आधार पर यह कहा जाता है कि वे पदार्थ, अम्ल की परिभाषा में आते हैं, आधुनिक परिभाषा है, वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर, वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर वह हमें H+ आयन प्रदान करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। क्या प्रदान करने का कार्य करते हैं? H+ आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं। वे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर वह हमें H+ आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं। पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं इनको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अम्ल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। याद रखना है परिभाषा को, विशेष तौर पे याद रखिएगा अम्ल किन्हें कहते हैं। तो वे पदार्थ जो प्रमुख रूप से स्वाद में खट्टे होते हैं उनको भी हम अम्ल कहते हैं। ये दैनिक भाषा की परिभाषा है, लेकिन अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए, आधुनिक परिभाषा को परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको हम जल में घोलने पर H+ आयन को प्रदान करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ को हम अम्ल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अच्छा यहाँ पे एक देखिए उदाहरण के बारे में हम बात करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे। मान लीजिए हमें किसी उदाहरण के बारे में बात कर ली गई या कहा गया कि आधुनिक परिभाषा को देते हुए उदाहरण से इसकी व्याख्या कीजिए, तो परिभाषा तो हमें बहुत आराम से याद हो गई कि वे पदार्थ जिनको हम जल में घोलेंगे, जो H+ आयन प्रदान करने का कार्य करेंगे, पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थ को हम अम्ल के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। लेकिन देखिए उदाहरण के बारे में बात करते हैं, उदाहरण से इसको हम सिद्ध करने का कार्य करते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने एक अम्ल लिया HCl, किसको लिया? HCl, किसको लिया? HCl, HCl को हमने लिया, इसको हम प्रमुख रूप से जल में घुलने का कार्य करें। किसमें घुलने का कार्य करें? जल में घुलने का कार्य करें। तो जब आप प्रमुख रूप से अम्ल को या HCl को जल में घुलने का कार्य करोगे,
तो एक चीज विशेष तौर पे याद रखना, मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, आप याद रखना जो चीज आगे होती है उसको हमेशा प्लस में लिखते हैं और जो चीज पीछे होती है उसको हम सदैव कैसे लिखते हैं माइनस में। देखिए यहाँ पे दो चीजें हमें दिखाई पड़ रही है, एच और सी एल, दो डिजिट हमें यहाँ पे लिखे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे, तो आप इसको तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, तो एक टूट गया एच प्लस में और सी एल टूट जाएगा किसमें, माइनस में। किसमें टूट जाएगा, माइनस में। तो याद रखिए जैसे एस सी एल के बारे में बात की, तो एस सी एल ने क्या किया, एच प्लस आयन दिया और सी एल माइनस आयन को प्रदान करने का कार्य किया। जो एच प्लस आयन है ना, एच प्लस आयन, इसको हम पूर्ण रूप से हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जो Cl- है वो तो प्रमुख रूप से आपका क्लोरीन आयन कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो देखिए जैसा कि हमसे परिभाषा विदित थी, हमसे जैसा कि हमसे बताया गया था कि परिभाषा क्या है, तो परिभाषा के आधार पर हमने लिखा था कि वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर वह H+ आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं या हाइड्रोनियम आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को हम अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो विशेष तौर पर याद रखिएगा जैसे HCl को हमने जल में घोला तो वह उसने हमें H+ आयन प्रदान करने का कार्य किया, Cl- आयन प्रदान करने का कार्य किया। तो जब हमें H+ और Cl- आयन की प्राप्ति हुई तो इस प्रकार से पाए जाने वाले जो पदार्थ होंगे ना, इन पदार्थों को हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करेंगे, जानेंगे। देखिए HCl एक अम्ल हो गया। एक और उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एसिडिक अम्ल लिया हमने CH3COOH, इसको लिया CH3COOH, यहां पे CH3COO जो है वह एसिडिक समूह कहलाता है और इसमें H जो प्लस होगा वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अम्ल के रूप में आने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो यहां पे देखिए इसको हम तोड़ें, इसको एसिडिक अम्ल कहते हैं, CH3COOH को क्या कहते हैं, एसिडिक अम्ल। इसको देखिए इसको हम तोड़ देंगे तो टूटेगा CH3COO माइनस प्लस में, एच प्लस में ये टूटने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमें H+ आयन प्रदान करने का कार्य कर रहा है, तो हम इसको कह देंगे कि ये H+ आयन अगर हमें प्रदान करने का कार्य कर रहा है तो ये 100% पाया जाने वाला पदार्थ जो होगा इसको हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 के बारे में बात करें, इसके बारे में H2SO4 के बारे में बात करें, H2SO4 को यदि हम प्रमुख रूप से टूटने का कार्य करें तो ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा H+ और HSO4-, किसमें टूटेगा, H+ और HSO4- में टूटने का क्या करेगा, कार्य करेगा। तो देखिए ये भी हमें H+ आयन प्रदान करने का कार्य कर रहा, अर्थात यहाँ पे H2SO4 भी एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल भी एक अम्ल है और HCl भी प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक क्या है, अम्ल है। तो मैं परिभाषा को एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको याद रखना है। पूरी परिभाषा कैसे याद करनी है मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट पैटर्न से चलिए, आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी। देखिए जैसे अम्ल की परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं तो आपको ऐसे लिखना है, अम्ल लैटिन भाषा के एसर शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ खट्टे पदार्थों से होता है। आधुनिक परिभाषा के आधार पर यह माना जाता है कि वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर H+ आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं, पाए जाने वाले इस प्रकार के पदार्थों को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें HCl, HCl को हमने जल में घोला, उसने H+ और Cl- आयन प्रदान करने का कार्य किया। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल को हम जब जल में घोलेंगे तो हमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाले H+ आयन की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार से H2SO4 को अगर हम घोलेंगे तो हमें H+ और HSO4- की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो ये पदार्थ जो होते हैं इन पदार्थों को हम प्रमुख रूप से अम्ल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से हमारे अम्ल की परिभाषाएं जो होती हैं वह प्रमुख रूप से पूरी होती है। अब यहाँ पे हम अगली परिभाषा जो लेके चल रहे हैं वो अगली परिभाषा प्रमुख रूप से हमारी क्षार की है। किसकी परिभाषा होगी, क्षार की। देखिए यहां से हम बात जो कर रहे हैं वो क्षार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, क्षार। देखते जाइएगा अच्छे से, परिभाषाएं बहुत शॉर्ट फॉर्म में याद कराऊंगा, बहुत आराम से आपको याद हो जाएंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। तो देखिए जब क्षार के बारे में हम बात करते हैं तो क्षार जो है यह शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, अरबी भाषा से। अरबी भाषा के एल्किल, एल्किल नामक शब्द से इसको लेने का क्या किया गया है, कार्य किया गया है। तो क्षार शब्द जो है वह अरबी भाषा से एल्किल शब्द से लेने का कार्य किया गया है, जिसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कड़वे या कसैले पदार्थों से होता है, कसैले पदार्थों से। तो यहाँ पे हम विशेष तौर पे याद रखें, हम क्षार के बारे में बात करेंगे तो क्षार की अगर हम एक छोटी सी परिभाषा बनाएं अपने माइंड में, एक छोटी सी परिभाषा जो दैनिक जीवन में हम यूज कर सकते हैं, पूछा जा सकता है क्षार को एक शब्द में परिभाषित कीजिए, तो आप लिखेंगे क्षार एल्किल, अरबी भाषा के एल्किल शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कड़वे या कसैले पदार्थों से होता है। तो ऐसे पदार्थ जो प्रमुख रूप से स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, कसैले होते हैं, उनको आप प्रमुख रूप से पाए जाने वाले क्षार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आइए हम इसकी आधुनिक परिभाषा के बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली इसकी आधुनिक परिभाषा के बारे में बात करते हैं।
कौन सी परिभाषा है ये? आधुनिक परिभाषा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका क्या कहता है, मॉडर्न थ्योरी इसकी क्या कहती है। तो मॉडर्न थ्योरी के बारे में जब बात आती है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर वह OH- आयन प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर वह OH- आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थ जो होते हैं इनको हम प्रमुख रूप से क्षार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म की परिभाषा है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, एक एक वर्ड में परिभाषा याद हो जाएंगी आपको। तो याद रखना है, आधुनिक परिभाषा के आधार पर यह माना जाता है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको हम जल में घुलने पर वह OH- आयन प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को हम प्रमुख रूप से क्षार के नाम से क्या करते हैं, इनका जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसका उदाहरण के बारे में बात करें तो कैसे देंगे, जैसे हमने मान लीजिए एक पदार्थ लिया NaOH, NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको तोड़ दो। मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आगे की दो डिजिट हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, Na दिखाई पड़ रहा है और OH, तो जो आगे का होगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, जो OH में होगा वह प्रमुख रूप से माइनस में आएगा। तोड़ दीजिए इसको, धातु या सोडियम तो हमेशा कैसे आएगी, प्लस में, और OH प्रमुख रूप से पाया जाने वाला आपको किसमें आएगा, माइनस में। तो Na प्लस और OH माइनस आयन की हमें यहाँ पे क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे जो प्रमुख रूप से पाया जाने वाला NaOH है ना, NaOH को हमने तोड़ा तो Na प्लस और OH माइनस के रूप में टूटने का क्या किया, कार्य किया। देखिए चूंकि हमें OH माइनस आयन प्रदान करने का कार्य कर रहा है इसलिए हम प्रमुख रूप से कहेंगे कि ये पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, क्षार है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम लेते हैं NH4OH का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तोड़ दीजिए इसको भी तो टूटेगा बेटा ये किसमें, NH4 प्लस और OH माइनस के रूप में ये टूटने का क्या करेगा, कार्य करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि NH4OH को भी हमने तोड़ा तो वह प्रमुख रूप से NH4 प्लस में टूटा और प्रमुख रूप से OH माइनस के रूप में इसने टूटने का कार्य किया। तो हमें यहाँ पे किस चीज की प्राप्ति हो रही है, OH माइनस आयन की क्या हो रही है, प्राप्ति। तो देखिए यहाँ पे हमें अगर OH माइनस आयन की प्राप्ति हो रही है तो ये पदार्थ प्रमुख रूप से पाए जाने वाले हमारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। तो परिभाषा को विशेष तौर पर याद रखिएगा, हम क्षार की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। क्षार क्या है, वे पदार्थ जिनको जल में घोले जाने पर वह OH माइनस आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को हम प्रमुख रूप से क्षार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें NaOH और NH4OH प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक आपके क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो परिभाषा एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं, पूरी परिभाषा को एक बार फिर से दोहरा लीजिए, याद हो जाएगी बड़े आसानी से। देखिएगा क्षार क्या है, क्षार अरबी भाषा के एल्किल शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ कड़वे या कसैले पदार्थों से होता है। आधुनिक परिभाषा के आधार पर यह माना जाता है वे पदार्थ जिन्हें जल में घोले जाने पर वह OH- आयन प्रदान करने का कार्य करते हैं, इस प्रकार के पाए जाने वाले पदार्थों को हम क्षार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बात करें NaOH और NH4OH, इनको अगर तोड़ते हैं, NaOH को तोड़ेंगे तो Na प्लस और OH- आयन की प्राप्ति होगी, और यदि हम प्रमुख रूप से NH4OH को तोड़ने का कार्य करते हैं तो NH4 प्लस और OH- आयन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो हमें जो पदार्थ OH- आयन प्रदान करने का कार्य करेगा उन्हें हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले क्षार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक बड़ी अच्छी चीज आ रही होगी कि सर ने अभी बताया कि H प्लस आयन का मतलब प्रमुख रूप से हाइड्रोनियम आयन हुआ, तो OH माइनस आयन जो होगा उसको हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले किस आयन के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा कभी कभी पूछ लिया जाता है अम्ल में पाए जाने वाले आयन को क्या कहते हैं, तो बच्चा लिख देता है H प्लस आयन, और मान लीजिए इसने पूछ लिया हिंदी में बताओ H प्लस आयन को क्या कहते हैं, तो H प्लस आयन को बेटा कहते हैं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। अगर यहाँ पे हम बात करें OH- आयन की, किसके बारे में, OH- आयन के बारे में बात करें, तो OH- आयन का मतलब प्रमुख रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोक्सिल आयन होता है। कौन सा आयन होता है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो याद रखना है जो पदार्थ OH- आयन प्रदान करेगा वह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला क्षार, और जो पदार्थ प्रमुख रूप से हमें H+ प्रदान करेगा वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक अम्ल के रूप में प्रमुख रूप से क्या होता है, जाना जाता है। इस प्रकार से आपने आज दो परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कर लिया जिनको हम अम्ल और क्षार के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे के वीडियो आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे, इसके आगे का वीडियो कल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।